में लगातार सातवीं बार भाजपा को सफलता मिली है। मेरे साथ पुरुषोत्तम रूपाला हैं, वरिष्ठ बीजेपी के नेता, गुजरात की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने इससे पहले पश्चिम बंगाल में 7 बार चुनाव जीता था, अब बीजेपी ने उस रिकॉर्ड की बराबरी की है। क्या आपको लगता है सबसे बड़ा फैक्टर रहा है गुजरात के चुनाव में इस बार? क्यों आपको लगता है कि अब तक सबसे बड़ी जीत बीजेपी को मिली? हमारे पहले पड़ाव से भी आप देखोगे और सातवें पड़ाव तक आओगे, वहाँ तक एक फैक्टर आपको कॉमन मिलेगा, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तो आपको लगता है कि जो परफॉर्मेंस रहा है उनका, पहले मुख्यमंत्री के तौर पर और अभी प्रधानमंत्री के तौर पर, उन्होंने ही रास्ता बनाया है और उन्होंने ही डेवलपमेंट की राजनीति को फोकस करने की परंपरा शुरू की है, वो आज भी चल रही है और बरकरार चल रही है। पर दूसरे राज्यों में क्या, क्यों ये उतना सही तरीके से काम नहीं किया, जैसे हिमाचल प्रदेश में? देखो, धरती पर जब किसी कोई चीज़ को उतारना होता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य की इकाई और सभी लोग मिलकर कभी सभी को यह प्रयास करना होता है, तो वो उसमें राज्य की इकाई का और सेंट्रल की इकाई का दोनों का हिस्सा होने की वजह से हर प्रांत में वो अलग अलग तरीके से उतरता है। आपको लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस जीत से बीजेपी के लिए आगे का रास्ता और मजबूत होता है, आपको लगता है? देखो, गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अपनी अहमियत बनाई थी एज अ मुख्यमंत्री, वही कारण था देश के प्रधानमंत्री बनने की नींव डालने का। और ऐसे ही ये गुजरात के चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो 24 के ही नहीं, 24 के आगे की रणनीति की भी नींव इसमें रखी हुई है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से आजम के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।